अच्छा जी, अभी आपने की एक्सरसाइज, और अब दो इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर्स मैं आज से आपको दूंगी। और वो दो इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर्स क्या हैं? सबसे पहले तो थैलेसीमिया माइनर का है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं कराया है वो ज़रूर अपना थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करवा लीजिए, स्पेशली वो लोग जिनकी शादी होगी या होने वाली है। उन लोगों के लिए नहीं कह रही है जो 50-60 के हो गए, जिनके चार बच्चे घर में, उनको नहीं कह रही, ठीक है। ये डेफिनेटली टेस्ट उन्हीं लोगों का है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई होती, जस्ट टू नो के आपका क्या स्टेटस है एंड आपके पार्टनर का क्या स्टेटस होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो थैलेसीमिया फ्री हो जाए, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पोलियो फ्री भी हो जाए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें चलती रहती हैं जी, करप्शन अन्य एंड फड्डा बॉम ब्लास्ट, ये तो ये चल रहा है, वी ऑल नो दैट। बट जो हम लोग अपनी तरफ से गलतियाँ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, इसको तो रोके, इसको तो स्टॉप करे। तो दूसरा पैगाम हमारा ये है कि जब भी पोलियो की मुहिम आए तो अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को ज़रूर 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 पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाइए, चाहे आप उन्हें क्लिनिक में पिलवा रहे हो, चाहे आप पीडियाट्रिशियन के पास ले जाके पिलवा रहे हो, नहीं पिलवा रहे हो, ज़रूर ज़रूर पिलवाइए, क्योंकि इसी से ही पोलियो पाकिस्तान से ख़त्म हो सकेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, ये दो इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स के साथ हेल्दी मॉर्निंग टिप का वक्त हो चुका है, चलते हैं टिप की तरफ। अच्छा जी, आज की टिप बड़ी अच्छी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबके काम आने वाली है। कैसे काम आने वाली है? अभी नहीं तो बाद में आ जाएगी। हम बात करेंगे जॉइंट पेन, आर्थराइटिस मेनली। जब पेन हो रहा होता है तो जिंदगी जो है बड़ी मुसीबत में आ जाती है, समझ नहीं आता कि कैसे क्या किया जाए, पेन कहीं से चला जाए। बस पेन के भेजने का आसान सा तरीका, एक तो आप पेन किलर खाते हैं, वन जो आपके ऑर्थोपेडिक ने आपको बताई हुई होती है। दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, बड़ा ही आसान है, और वो तरीका ये है कि अपने पाँव हाथ पाँव जो भी आपकी पेन की साइट है, जो भी पेन की साइट है, उसको आपने 3 मिनट के लिए गर्म पानी में डिप किया। कोनी है, नी है, पाँव है, हाथ है, जो भी है, आपने उसको 3 मिनट के लिए आपने उसको गर्म पानी में डिप किया। 15 मिनट के लिए नहीं कीजिएगा, जल जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, आप 3 मिनट के लिए जैसे ही करेंगे, निकालेंगे, फ़ौरन से 1 मिनट के लिए आपने उसको ठंडे पानी में किया, ऑल्टरनेट गर्म ठंडा गर्म ठंडा। अब होगा क्या, गर्म पानी से क्या होता है, गर्म पानी से होता है कि आपका पेन रिलीफ होता है, और ठंडा पानी क्या होता है, ठंडा पानी क्यूरेटिव होता है। तो जब हम इन दो चीज़ों को मिला देते हैं तो पेन न्यू गायब हो जाता है। कि देखा कितनी आसान सी तरकीब है। दूसरी आसान सी तरकीब आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए ये है कि मेथी दाना तो सबके घर में होता ही है, मेथी दाने को बिल्कुल पीस के उसका पाउडर बना के सुबह रोज़ाना 1 चम्मच छोटी वाली टीस्पून पानी के साथ ले लें सुबह में, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एंड आप देखिएगा कि आपके आर्थराइटिस का पेन जो है वो डे बाय डे कम होते 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 एक दिन ख़त्म हो जाएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। इसी चीज़ के साथ वक्त हो गया है जी हमारे पोल के सवाल का, चलते हैं पोल की तरफ। अच्छा जी, आज का पोल का सवाल जो है, आप लोग प्लीज मेरे दुश्मन नहीं बनिएगा, मुझे ऑनेस्ट ऑनेस्ट आंसर चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमारी इमोशनल नीड है जो हमने खुद ही बना ली है, जो शायद होनी नहीं चाहिए थी। इंसान वही होता है जो अपनी ये सारी नफसानी ख्वाहिशात को काबू कर सके, वरना इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं बचता। अब हमारा जो आज का सवाल है वो ये है कि क्या ऐसे सवाल करते हुए मुझे हंसी आ रही है, बट करना तो पड़ेगा। हमारा सवाल है वो ये है कि क्या पकौड़े वाकई में एक हेल्दी फूड है जो आप लोग हर शाम में खाते हैं, उसके बगैर रोज़ा इफ्तार आपको फीका अधूरा ऐसा लगता है? तो आप मुझे बताइए, क्या पकौड़े वाकई में एक हेल्दी फूड है? क्या वाकई उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि उसके बगैर इफ्तारी नहीं हो सकती है? ये जवाब आप लोग हमें देंगे कैसे, वो तो मैं आपको अभी बताऊंगी, पर उससे पहले आप सुनिए कुछ लोगों का आंसर जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है। पकौड़े सेहतमंद तो नहीं है, करारे हैं, सेहत के लिए नहीं अच्छे, वैसे सब लोग खाते हैं, टेस्ट के हिसाब से अच्छे, हेल्थ के हिसाब से अच्छे नहीं है पकौड़े। हाँ सेहतमंद है, क्यों नहीं है, बेसन वगैरह होता है उसमें, पूरे दिन में भूखे होते, रोजे के बाद जो खाते हैं तो फिर सेहतमंद है। और तो रमजानों में तो ऐसे भी पकौड़े समोसे चलते हैं। पकौड़े कुछ सेहतमंद जिंदगी तो नहीं है, लेकिन ये कि मुँह का जायका बदलने के लिए, जुबान का जायका बदलने के लिए आदमी इसको नमक मिर्च का
रमजानों में तो ज्यादातर पकौड़े वगैरह चलते हैं, हर घर पे ही चलते हैं। करारे होते हैं, सेहत के लिए तो अच्छे नहीं होते। बस भाई नहीं खाने चाहिए लोगों की अपनी मर्जी, कोई खाए ना खाए। ऑयल बहुत होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत होता है। मेरी नज़र में तो है अच्छे लगते हैं, रोजे के बाद जो खाते हैं मजे के लगते हैं। अच्छे होते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। ताकतवर तो है, हाँ ताकतवर तो है, हाँ वो देते हैं इसको विटामिन देते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन और दीगर चीज़ों के मुकाबले में इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अब ज़्यादा ऑयल वगैरह हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है सेहत ख़राब भी हो सकती है, और वैसे खाते हैं सब, सेहतमंद गिज़ा भी है। अच्छा जी, अभी आपने कुछ लोगों की बातें सुनी, आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है। ठीक है, मैं क्वांटिटी की बात नहीं करी, एक या दो या तीन पकौड़ों की बात नहीं करी, एक हो, दो हो, तीन हो, बात आप प्लेट भर के खाते हो या इतना खाते हो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट राइट नाउ। द पॉइंट इज आपको क्या लगता है, पकौड़े हेल्दी हैं, घर के पकौड़े हों या बाहर के पकौड़े, पकौड़े हेल्दी हैं, ये आप हमें बताएंगे कैसे। फेसबुक पे भी बताते हैं, लेकिन अभी आप फ़ोन करके भी हमें बताएंगे, क्योंकि अब हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड।